गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KPS की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करते हैं। टुडे वी विल स्टडी क्लास थर्ड लेसन 6 मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटी 5। यहाँ हम एक्टिविटी 5 की स्टडी करेंगे, मल्टीप्लाई। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, फर्स्ट वाला हमारे लिए किया गया, इसकी हेल्प से हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें है 34 का मल्टीप्लाई 12 से, यानी टू नंबर के टू डिजिट के नंबर का टू डिजिट के नंबर से ही मल्टीप्लाई, दोनों तरफ टू डिजिट के नंबर हैं, 34 मल्टीप्लाई बाई 12। तो इसमें क्या करते हैं, जो 12 है उसमें वंस प्लेस के नंबर का ऊपर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसका ऊपर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि इसमें किया गया है। देखते हैं 34 मल्टीप्लाई बाई 12, तो हमें 12 में जो वंस प्लेस पे 2 है, इस 2 का ऊपर वाले सभी नंबर का पीछे से स्टार्ट करते हुए, 1 से स्टार्ट करते हुए मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की टेबल 4 टाइम, 2 4 जा 8, ये रहा 8, फिर कैरी है नहीं, तो 2 की टेबल 3 टाइम, 2 3 जा 6, कैरी है नहीं, तो 68 हुआ आंसर। अब हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है वापस 34 से, तो टू डिजिट के नंबर में ये ध्यान रखना है हमें कि टेंथ प्लेस यानी 2 का जब मल्टीप्लाई हो गया 68 आया, अब जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 8 के नीचे हमेशा 0 लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। ये टू डिजिट के मल्टीप्लाई करें तब ध्यान रखना है कि जो 68 का 8 है ये लास्ट टेंथ प्लेस का नंबर, इसके नीचे 0। अब 1 की टेबल 4 टाइम, ऊपर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 4, तो 1 की टेबल 4 टाइम तो 4 आंसर, फिर 1 की टेबल 3 टाइम तो 3 आंसर, यानी ये जो है वो एक 0 यहाँ लिखने के बाद में इस साइड हो जाएंगे। तो देखो इनको प्लस करते हैं तो 808 64 10, 1 कैरी हो गया यहाँ पर और 3 और 1 4 हो गया, तो इस वे में हमें मल्टीप्लाई करने हैं। सेकेंड में करता हूँ 49 मल्टीप्लाई बाई 25, 49 का 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 में टेंथ प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करना है 49 से, तो 5 9 45 ही होता है, तो 5 यहाँ लिख दिया और 4 कैरी है, ये ध्यान रखना है आपको। अब 5 की टेबल 4 टाइम, 5 4 20 तो ये हुआ और 4 कैरी था, तो 5 4 20 और 4 हुए 24, तो 245 5 से मल्टीप्लाई करने पर। अब लास्ट नंबर के नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, 0, जो कि मैंने आपको इसमें बताया था, तो यहाँ 0 लिखने के बाद अब सेकंड जो टेंथ प्लेस में नंबर है 2, उसका 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की टेबल 9 टाइम, 2 9 जा 18, 1 कैरी और 2 4 जा 8 और 1 कैरी 8 कर दिया 9। हर डिजिट के नीचे एक डिजिट होना चाहिए, अब इनको प्लस करते हैं तो 5 0 5 8 4 12, 1 कैरी और 9 और 2 11 और 1 12, तो 1225 आंसर हुआ। इस वे में सी 73 मल्टीप्लाई 37, 73 का 37 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम वे में 37 जो है नीचे वाला नंबर, इसमें वंस प्लेस पे है 7, तो 7 का 73 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 3 जा, वंस प्लेस का वंस प्लेस है, तो 7 3 जा 21, 1 यहाँ लिखा और 2 कैरी हमारे पास है, इसे ध्यान में रखना है, आप रफली कहीं पे राइट भी कर सकते हैं। अब 7 की टेबल 7 टाइम, तो 7 7 जा 49, 49 में 2 कैरी ऐड कर दीजिए, तो 50 और 51 हुआ, 51। अब है 10th प्लेस पे 3 का 73 से मल्टीप्लाई, तो ध्यान रखना है सबसे पहले मल्टीप्लाई स्टार्ट करने से पहले जब 1 डिजिट का यानी 7 का मल्टीप्लाई इन सबसे हो गया, तो नीचे लास्ट डिजिट के नीचे हमेशा क्या लिख दीजिए, 1 के नीचे 0। अब मल्टीप्लाई करना है 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, अब इनको प्लस करेंगे 101, 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 1 कैरी था 7 और 2, 2701 ये हमारा आंसर। डी करते हैं 98 का मल्टीप्लाई 43 से, तो 43 में वंस प्लेस पे 3 है, तो 3 का 98 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग में, तो 3 का 8 से, 3 8 जा 24, 2 कैरी है जो साइड में आप रफली लिखेंगे, फिर 3 की टेबल 9 टाइम, 3 9 जा 27, 27 में 2 कैरी एड कीजिए, 29 हो जाए।
अब जब वन डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया तो लास्ट डिजिट के नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। टू थ्री फोर डिजिट के जितने भी मल्टीप्लाई होंगे उसमें, अब फोर का मल्टीप्लाई 98 से, तो फोर एट जा 32 का टू यहाँ और थ्री कैरी जो साइड में है, फोर नाइन जा 36 और थ्री 36 और थ्री 39। अब इनको प्लस कीजिए, 404, 9 to 11, 10 और 2, 12 और ये हुआ 14,214। ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ। तो टू डिजिट के नंबर का टू डिजिट के नंबर से इस वे में मल्टीप्लाई करना है, ये आपको बुक में करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड आपको अपनी नोटबुक में करना है, और 3, 4, 5, 6 ये जो है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।